फेस सीरम जो कि स्किन केयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट होता है। गाइस 2023 में मैंने बहुत सारे फेस सीरम ट्राई करे और उनमें से कुछ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे, वो अलग अलग स्किन प्रॉब्लम पे वर्क करे, तो इसलिए मैं शेयर करूँगी आज आपको 2023 बेस्ट फेस सीरम। फर्स्ट है प्लिक्स का जामुन एक्टिव एक्ने कंट्रोल सीरम जो कि मैंने 2023 के लास्ट में ट्राई किया था। एक्ने को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, बहुत ही लेटेस्ट न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, 2 से 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये प्लिक्स का, बहुत ही अच्छा एक लाइट वेट सीरम और इसने एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को कम किया, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया। बाकी वीडियो आपको हर सीरम के अलग मिलेंगे जिसमें डेमो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है लैक्मे का स्मूथ एचए सीरम 8%, इसमें EHA BHA एंड PHA है, ल्यूमिनस स्किन देने में मदद करता है, पीलिंग सीरम है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपकी बम्पी स्किन है, अनइवन स्किन टोन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लैक्मे ने कुछ बहुत सारे सीरम अपने लॉन्च किए 2020 और इनमें सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है गार्निया का ये वाइटामिन सी सीरम जिसका 99 रुपीज़ में टेस्टर साइज अवेलेबल किया गया 2023 में, बहुत अच्छा सीरम है ये, और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट है ये जो है सन के ब्रांड है ये हाइफेन, इसका ये जो ग्लो सीरम है बहुत ही अच्छा गोल्डन ग्लो देने में मदद करता है, ट्रीटमेंट बेस्ड सीरम है, इंस्टेंट ग्लोई इफेक्ट देता है, लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सेलिब्रिटी ब्रांड का होने के बाद 500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, अब तो ये नायका में भी अवेलेबल है और ये इनकी पूरी स्किन केयर रेंज में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, इसका जो है मेरे पास सिर्फ फोटो है, अभी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बॉटल नहीं है, बजाज नोमास का पोर क्लियरिंग फेस सीरम, मतलब कि अगर पिंपल एक्ने होते हैं तो ये सीरम बहुत अच्छे से वर्क करता है, पोर को क्लीन करता है जिसकी वजह से पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम कम हो जाए। सैलिक्लिक एसिड है 2%, बहुत ही एक मिनिमम क्वांटिटी है, कोई भी बिगिनर भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप सैलिक्लिक एसिड वाला सीरम यूज़ करना चाहते हो जो है दाग धब्बों को भी कम करता है, पिंपल को कम करता है, तो उसके साथ साथ दाग धब्बे भी धीरे धीरे वैनिश होते हैं जो कि अच्छी बात लगी। सीरम के बारे में 500 से 600 रुपये में ये अवेलेबल है। बाकी इसको यूज़ करने का तरीका एंड एवरीथिंग मैंने इसके सारे सीरम के यूज़ करने के तरीके डिटेल रिव्यू सब चैनल पर शेयर किया हुआ है, ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट सीरम पे आते हैं गाइस, इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे पर ये बजाज वाला मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट लैक्मे एब्सोल्यूट का ये जो सीरम है ये हाइड्रा सीरम है, मतलब कि ये स्किन को हाइड्रेट करता है, ग्लोई इफेक्ट देता है, स्किन अगर डल ड्राई हो गई बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये हाइड्रा प्रो सीरम है, हाइड्रा रेंज का है जिसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगा आपको, सिर्फ तो 150 रुपये में नायका में मिल जाएगा। बहुत लाइट वेट सीरम है, अगर ड्राई स्किन है, कोई लाइट वेट सीरम चाह रहे हो फॉर ग्लोई इफेक्ट तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। प्लम का राइस वाटर नायासिनमाइड सीरम जिसमें नायासिनमाइड की मात्रा 10% काफ़ी, और ये बहुत अच्छे से स्किन के दाग धब्बों को कम करता है, कोरियन स्किन केयर को देख के इन्होंने राइस भी इसमें ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही एंड एम कैफीन की गाइस, ये ग्रीन टी वाली जो आपको ये मिलती है सीरम किट जो कि बिजनेस के लिए अलग अलग मात्रा में आपको ग्रीन टी की अगर आप स्किन केयर में इन्वॉल्व करना चाहते हो तो ये पूरा प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हो। छोटे छोटे से आपको बॉटल मिल जाते हैं अलग अलग मात्रा में, बाकी इसका डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट है लैक्मे का ड्यूडामा सीरम, ये सीरम जो है एक ड्यू फिनिश देने में मदद करता है, मतलब कि विंटर में ग्लोई स्किन जो बनाने में ये मदद करता है। अगेन ये 299 रुपीज़ में अवेलेबल है लोकल स्टोर। नेक्स्ट है गाइस पॉन्ड्स का ना हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो कि 2% हाइलुरोनिक एसिड के साथ आता है, स्किन को ग्लोई इफेक्ट देता है, स्किन को इन्हांस करता है, हाइड्रेट करता है, ड्राई स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये पॉन्ड्स का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है हाइड्रा लाइट जिसमें इसका फेस वॉश, इसमें नाइट जेल ये सब अवेलेबल किया गया है,
लेकिन मुझे इसका सीरम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। फेस वॉश भी अच्छा है, बाकी नाइट जेल मैंने यूज़ नहीं किया तो उसके बारे में मुझे कोई खास आइडिया नहीं है। इसको ट्राई कर सकते हैं बस जब अगर आपकी ड्राई स्किन है, अदरवाइज ये आपके लिए इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, ऑयली स्किन के लिए ये नहीं। नेक्स्ट है प्लिक्स का पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन ड्यूई सीरम, जो कि पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से कम कर देता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, टैन को रिमूव करता है और अनइवन स्किन टोन को कम कर देता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप पिगमेंटेशन को कम करने के लिए इस सीरम को यूज़ कर सकते हो। ये नायका अमेजोन सब जगह अवेलेबल है और अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको पिक कर सकते हो, सेल में भी मिल जाता है। एंड इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं अलग अलग स्किन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम, दाग धब्बों के लिए ये मामा अर्थ का एक ही सीरम जो लॉन्च हुआ था 2023 में, ये मुझे पसंद आया। दाग धब्बों को कम करता है। बाय बाय रेंज में जो क्रीम अवेलेबल थी उसमें अब इन्होंने सीरम एड ऑन किया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक केयर।